السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم। मोहतरम साथियों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, आज हमारे दरमियान 24वां पारा है। 24वें पारे में सूरतु ज़ुमर का कुछ हिस्सा है, इसी तरीके से सूरे ज़ुमर इसमें सूरे मोमिन भी है और इसी तरीके से सूरे हामीम अस्सजदा है। सूरे हामीम अस्सजदा ये वो सूरा है मेरे भाइयों के, जब मुशरिकी ने मक्का की तरफ से उतबा इबन रबिया को भेजा गया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत पेश कर रहे हैं उनकी दावत की वजह से पूरे मक्का में हलचल मची हुई है, उन्हें किसी भी तरीके से बाज रखिए। और उतबा इबन रबिया चंद शराइत लेकर पहुंचा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा ए मोहम्मद, अगर तुम मक्का की सरदारी चाहते हो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, मक्का की सारी दौलत चाहते हो उसके लिए भी रेडी हैं, या अगर किसी खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहते हो उसके लिए भी तैयार हैं। एक रिवायत में आता है कि अगर दिमाग चल गया है, कोई आसेब वगैरह का मामला हो गया तो उसका इलाज भी कर सकते हैं। ये शरायत लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं और उतबा इबन रबिया ये सारी बातें जब रखता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उसकी बात सुनते हैं और सुनने के बाद अपनी तरफ से कोई जवाब न देते हुए यही सूरह हामीम अस्सजदा की तिलावत करते हैं। और तिलावत करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, जब इस मज़मून पर पहुँचते हैं फ़ैन आरगो के मुशरिकी ने मक्का, ये जो मोहम्मद पैगाम लेकर आए हैं, ये जो कुरान की तालीमात लेकर आए हैं, अगर तुमने इससे गफलत बरती, इससे एराज़ किया तो याद रखो तुम्हारा हशर भी वही होगा जो इससे पहले आदो समूद का हुआ है। मैं तुम्हें डराता हूँ आदो समूद के खंडराज से। उतबा इबन रबिया ने जब ये जुमला सुना, ये आयत सुनी, हिल गया, डर गया, सहम गया और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर ऐसे हाथ रखकर कहता है इरहम अला कौमिक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद अपनी कौम पर रहम फरमाइए। मेरे भाई, वो उतबा जो बड़ी शान से बड़े नाजो नखरे के साथ आया था कि कोई तो शर्त ले लेंगे, ये कबूल कर लेंगे, सर झुकाए हुए वापस चला गया। किसने ये कमाल दिखाया? अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम ने, इस कुरान ने, सूरह हामीम सजदा की आयतों ने वो कमाल दिखाया। तो मेरे भाइयों, ये सूरह हामीम सजदा है, सूरह मोमिन भी है और सूरह ज़ुमर का कुछ हिस्सा है। बहर कैफ, आज दर्स के लिए हमने दो तीन आयतों का इंतखाब किया है, लेकिन शायद, मुझे पता है मौका नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल जितनी बातें हम कर सकते हैं करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात ये, अल्लाह तबारक तआला ने सूरह ज़ुमर में फ़रमाया قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم, ऐ नबी आप कह दो मेरे बंदों से। अल्लाह ताला देखिए कितना मेहरबान है, कितना रहीम है अपने बंदों पर। अल्लाहु अकबर, कहता है ऐ मेरे नबी आप मेरे सारे बंदों में ऐलान कर दो, मेरे बंदों से कह दो कि अपने आप पर अगर उन्होंने जुल्म कर लिया है, गुनाह कर लिए हैं, नाफरमानी कर ली है, हाँ ज़िंदगी गुनाहों में गुजर रही है, तो मेरे बंदों से कह दो ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न होना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। गरचे तुम्हारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर तुम्हारी तौबा सच्ची होगी, अगर तुम खुलूस से दिल से माफ़ी के तलबगार होगे, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है। अल्लाह मेरे भाई, मग़फ़िरत, इस्तग़फ़ार करना, मग़फ़िरत करना, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना,
अल्लाह के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, दामन पसारना बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसके फ़वाइद बहुत हैं, मेरे पास यहाँ वक्त नहीं है कि मैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ। अलबत्ता एक मिसाल, एक वाक़या जो बड़ा दिलचस्प है और आप लोगों ने इसके पहले सुना भी होगा, लेकिन बस याद दहानी के तौर पर और थोड़ा सा ताज़ा हो जाए इसलिए वह सुनाना चाहता हूँ मैं आपको। आप जानते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह, ये एक बहुत अजीम शख्सियत है, इस्तेकामत के पहाड़ थे ये। अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें भी बहुत आजमाया था, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह को। एक मरतबा क्या हुआ, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह सफ़र में थे और अजनबी गांव में, अजनबी शहर में पहुंच गए और रात का वक्त हो चुका था, नमाज इशा की ख़त्म हो गई थी, लोग सो रहे थे, अपने अपने घरों को जा चुके थे। एक मस्जिद के दरवाज़े के पास पहुँचे ताकि रात का क़याम मस्जिद में कर लें, लेकिन मस्जिद भी बंद हो चुकी थी, मस्जिद में कोई पहचानता नहीं था उस वक्त, वहाँ रात का अंधेरा था, मस्जिद में उन्हें दाखिला नहीं मिल रहा था, परेशान थे वो। इतने में वहाँ से एक शख्स गुज़रा जिसको नानबाई कहा जाता है, यानी रोटी बनाने वाला, जैसे होटलों में रोटी वोटी बनाते हैं ऐसे रोटी बनाने वाला एक शख्स वहाँ से गुज़रा। उसने देखा कि एक मुसाफिर है, परेशान हाल है, उनके पास गए और कहते हैं, ऐ मेरे भाई, लगता है आप मुसाफिर हो, आपके लिए ठहरने की जगह नहीं है, चलिए मेरा घर करीब में ही है, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, रात वहीं गुजार लीजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह उस शख्स के साथ, उस नानबाई के साथ उनके घर गए और इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ने जब उनका साथ लिया तो मुसलसल देखते रहे कि वो शख्स अस्तग़फिरुल्लाह 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 ये जुमला बार बार दोहरा रहा है, यानी अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर रहा है, बार बार इस्तग़फार कर रहा है, यहाँ तक के घर भी पहुँच गया तो अस्तग़फिरुल्लाह। फिर कहते हैं कि मुझे चारपाई पर बिठा दिया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया, यानी रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना शुरू कर दिया और आटा गूंदता जा रहा है और कह रहा है अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह कहते हैं कि मैं उसके इस अस्कार से, इस इस्तग़फार से बहुत मुतासिर हुआ और मुझसे रहा नहीं गया, मैं उससे पूछ पड़ा, मतलब मेरे भाई आप अस्तग़फिरुल्लाह इतनी कसरत से कर रहे हो, इसका कुछ फ़ायदा भी पहुँचा है तुम्हें, इसका कुछ फ़ायदा हुआ है? तो कहने लगे कि हाँ। नान भाई ने कहा कि हाँ, मैंने जब से इस्तग़फार करना शुरू किया है, जब से इस्तग़फार करना शुरू किया है तब से लेकर आज तक मैंने जो भी आरज़ू की है, जो भी ख्वाहिश की है, मेरा रब इस इस्तग़फार के बदले में मुझे वो सब अता कर दिया है, सब कुछ दे दिया है मुझे। तो कहते हैं अच्छा, सारी चीज़ें तुम्हें मिल गई है? कहाँ। बोले ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें ना मिला हो। कहा कि नहीं, सब मिल चुका है। हाँ अलबत्ता एक बात मैंने सुनी है कि इस वक्त एक बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल गुज़रे हैं और उनका बड़ा शोहरा है, बड़ा चर्चा है, बड़ा नाम है, बस उनके बारे में सुना है, पहचानते नहीं इमाम अहमद बिन हम्बल को, पहली मुलाकात। वो कह रहे हैं कि मैंने अहमद बिन हम्बल के बारे में सुना है कि बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बस 15 दिन से ये ख्वाहिश है मुझे कि मुझे उनकी ज़ियारत नसीब हो जाए, मैं उनसे मुलाकात कर लूं, बस यही एक ख्वाहिश मेरी अभी तक अधूरी रह गई है, वो पूरी नहीं हुई है। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ने जब ये सुना तो कहते हैं, ऐ नान भाई, तेरी वो ख्वाहिश भी रब ने आज पूरी कर दी है। कहा वो कैसे? कहा जिससे तुम मिलना चाह रहे हो अहमद से, वो अहमद मैं ही हूँ, मुसाफिर बनकर यहाँ पहुँचा और तुम मुझे अपने साथ ले आए। और इमाम अहमद बिन हम्बल कह रहे हैं कि मेरा इस जगह आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने महसूस किया कि कोई गैबी ताकत है जो मुझे खींच कर यहाँ ला रही है। अल्लाह, ये इस्तग़फार की बरकत है, यह इस्तग़फार की ताकत है मेरे भाइयों। तो हमें रमज़ान का बबरकत महीना मिला है, इस्तग़फार करो, अपने गुनाहों की मग़फ़रत चाहो,
अल्लाह के सामने अपने दामन पसारो, बार बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, एक एक मजलिस में आप जब बैठते थे तो सौ सौ मरतबे इस्तग़फार कर लिया करते थे, सौ सौ मरतबे। हम भी नबी के उम्मती हैं, हमें भी चाहिए। और फिर एक बात यहाँ आपको बता दें, एक और नुक्ता, इमाम इब्ने क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़े आलिमे दीन जो इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह के शागिर्द हैं, इब्ने क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है बुस्तानुल वाइदीन फ़ी हदीक़तिल आरिफीन, उस किताब में उन्होंने एक बात नकल की है, कहते हैं बड़ी प्यारी बात है, कहते हैं कि रमज़ान के महीने को दिगर 11 महीनों से वही निस्बत हासिल है जो निस्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने 11 भाइयों से हासिल थी। क्या कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ पर जुल्म किया, सितम किया, कुएं में डाला हसद की बुनियाद पर, जिसकी वजह से यूसुफ को बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बाजार मिस्र में गए, बेच दिए गए, जेल में गए, बहुत सारी मुश्किलात से गुजारे गए। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मिस्र की हुकूमत अता फरमाई, मिस्र के बादशाह बने और एक वक्त ऐसा आया कि उनके सारे भाई मुजरिम बन करके सामने खड़े हैं। और ऐसे मौके पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल देखिए, जिगर देखिए, माफ करने का हुनर सीखिए कि जालिमों को कैसे माफ किया जाता है। यह जिगर भी बहुत कम लोगों में होता है, जिन्होंने सताया, पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी भाइयों ने, मां बाप से जुदा कर दिया था, बगैर मां बाप के जिंदगी गुजरी है उनकी। लेकिन बहरहाल भाई थे, जालिम गर्चे थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या ऐलान किया, ला तसरिब अलैकुम अल्यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम, कि जाओ मेरे भाइयों, तुम सब आज़ाद हो, तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम सब की मगफरत फरमा दे, अल्लाह तुम सबको बख्श दे। तो जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के सामने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया, इब्ने क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इसी तरीके से ये रमज़ान का महीना ऐलान करता है कि ऐ मुसलमानों, तुमने 11 महीने अपने आप पर जुल्म किए हैं, तुमने 11 महीने अल्लाह की नाफरमानी की है, 11 महीने गुनाहों में लतपत रहे हो, अब रमज़ान का महीना आ गया है, ये महीना ऐलान कर रहा है कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो, ताइब हो जाओ, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी मगफिरत करने के लिए रेडी है, अल्लाह तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। इसीलिए वो हदीस देख लीजिए, उसको यहां जोड़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, मन साम रमजान ईमान व इहतिसाबन गफर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, मन काम रमजान ईमान व इहतिसाबन गफर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, मन काम लैलतुल क़द्र ईमान व इहतिसाबन गफर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, जिसने रमजान के रोजे ईमान और सवाब की नियत से रखे उसके पिछले सारे गुनाह माफ, जिसने रमजान के महीने में क़ियामुल लैल किया, तरावी की नमाज अदा की ईमान और सवाब की नियत से उसके पिछले सारे गुनाह माफ, जिसने लैलतुल कद्र में रातों को जागकर शबे कदर की तलाश की उसके पिछले सारे गुनाह माफ। अल्लाह हू अकबर, ये रमजान का महीना मगफरत का ऐलान कर रहा है, वही कह रहे इब्ने क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का ईमान ऐलान है, ऐ मेरे बंदो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, अल्लाह की ज़ात गफ्फार है, रहमान है, रहीम है, गरचे तुम ज़मीन भर करके गुनाह कर लिए हो, लेकिन अगर शिर्क नहीं किए हो तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हें बख्श देगा। बहर कैफ, ये एक बात रही। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि एक दूसरी बात भी आपके सामने कर दूँ, क्योंकि उस पारों में ऐसे ऐसे मज़ामीन होते हैं कि अगर हम खाली आयत और तर्जमा पढ़ना चाहें तो भी नहीं, मुमकिन नहीं है, इतनी सारी कीमती बातें हैं। बहरहाल एक आयत और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की अजमत को बयान किया गया है, हमारा रब कितना अजीम है, उसका पावर कितना है, इसको बयान किया जा रहा है। कहा वमा कद्रुल्लाह हक कद्रिही, लोगों ने अल्लाह की ज़ात का अंदाज़ा नहीं लगाया, अल्लाह को नहीं पहचाना, जैसे रब को पहचानना चाहिए था वैसा नहीं पहचाना। जानते हैं कल क़यामत के दिन पूरी ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला की मुट्ठी में होगी, सारे आसमान को फोल्डर बनाकर लपेट लिया जाएगा, सब अल्लाह के हाथ में होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक
तबारक व ताला की ज़ात इतनी अज़ीम है, इतनी बुलंद है कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सातों आसमान और सातों ज़मीन अल्लाह तबारक व ताला की कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे कि एक बड़ा मैदान है, चटियल मैदान है, और उसमें एक अंगूठी पड़ी हुई है। तो चटियल बड़े मैदान में अंगूठी की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे ही ये समझ लो मेरे भाइयों कि अल्लाह तबारक व ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ये सातों आसमान सातों ज़मीन वो रिंग हैं, वो अंगूठी हैं, और वो कुर्सी अल्लाह तबारक व ताला की समझ लीजिए कि पूरा मैदान है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस तरह अंगूठी एक छोटी सी चीज़ है मैदान के अंदर, सहरा के अंदर, और फिर उसके बाद सातों आसमान और सातों ज़मीन अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में अंगूठी के बराबर हैं, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसे ही अल्लाह का जो अर्श है, अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी अंगूठी की जगह पर है। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद कहा अल्लाह तबारक व तआला का अर्श इतना अजीम, इतना अजीम। अबू अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला ने बयान फरमाते हैं अल कुर्सी वज़ुल क़दमैन, कुर्सी का माना है अल्लाह तआला के कदम रखने की जगह। अल्लाह ताला के कदम रखने की जगह का माना है कुर्सी। वा कुर्सी, आयतुल कुर्सी आप पढ़ते हैं ना, वसिया कुर्सीयुस समावाति वल अर्ध, अल्लाह ताला की कुर्सी सारे आसमान और ज़मीन को घेरे हुए है, और ये कुर्सी ही सिर्फ जो है अर्श के मुकाबले में अंगूठी की जगह जैसे है। और अल्लाह ताला के अर्श के बारे में फरमाया अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने, वल अर्श ला यक़दिरु क़द्रहु इल्लल्लाह, अर्श के बारे में किसी को अंदाजा नहीं कि अर्श कितना अजीम है मेरे भाई। और वो अर्श कहाँ है जानते हैं, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर है। सातों आसमान फिर जन्नत के दर्जात, जन्नत में 100 दर्जे, 100 दर्जों में सबसे आला दर्जा फिरदौस का है, और फिरदौस के ऊपर रब्बुल आलमीन का अर्श है, और उस अर्श पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुस्तवी है मेरे भाई। ये अल्लाह तबारक व तआला इतना अजीम है। आज हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन नमाजों में दिल नहीं लगता है, नमाजों में रिक्कत नहीं आती। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अल्लाह की अज़मत हमारे दिल में नहीं है। अल्लाह की अज़मत को पहचानो, अल्लाह की अज़मत को जानो। हमारा ये मौजू नहीं है अभी, वरना हम ये आपके सामने इंशाल्लाह किसी मौके पर बयान करेंगे कि अल्लाह की अज़मत को कैसे कैसे हासिल किया जा सकता है। बस सिर्फ आज इतना बताना चाहते हैं कि अंबिया की ज़ात भी अल्लाह ताला की अज़मत को जानने की फ़िक्र किया करती थी। दो मिसाल देते हैं आपको। एक मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या कहते हैं, रब्बी अरिनी कैफा तुहिल मौता, ऐ मेरे रब आप मुझे बतलाइए मुर्दों को ज़िंदा कैसे करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखो इमामुल मुवाहिदीन, तौहीद परस्तों के इमाम, कहते हैं ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब आप बतलाइए कि मुर्दों को ज़िंदा कैसे करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा काला अवलम तुमिन, ऐ इब्राहिम क्या तुम्हें हम पर ईमान नहीं है, हम पर ईमान नहीं है। काला बला, अल्लाह क्यों नहीं, ईमान तो है, वलाकिन लियतमइन्ना कल्बी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल और यकीन कामिल की दौलत से मालामाल हो जाए। मैं तेरी अजमत देखना चाहता हूँ, तेरी बड़ाई देखना चाहता हूँ, तेरा पावर देखना चाहता हूँ, ताकि मेरे दिल में और पुख्तगी आ जाए। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, अच्छा ऐसी बात है इब्राहिम, तो एक काम करो, 4 परिंदों को लो, उन्हें ज़बा करो, और ज़बा करने के बाद उनके जिस्म का एक एक टुकड़ा 4 पहाड़ की 4 चोटियों पर जाकर रख दो। 4 परिंदों को लो, उनको ज़बा करो, उनका एक एक टुकड़ा 4 जगह रखो अलग अलग पहाड़ की चोटी पर, और रखने के बाद उन्हें आवाज़ दो, बुलाओ अपने पास। अल्लाह कहता है यथी न कसाया, वो सब जिंदा होकर दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये अजमत अल्लाह ताला ने दिखाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो अम्बिया भी अल्लाह की अजमत को जानने के लिए फ़िक्रमंद रहा करते थे। दूसरा वाक़िया मूसा अलैहिस्सलाम का है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बी अरिनी अंदुर इलैक,
बड़ा मशहूर वाक़या, ऐ अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। मूसा अलैहि सलाम के दिल में जो मोहब्बत थी अल्लाह के लिए, अकीदत थी, इतनी ज़्यादा हो गई कि बर्दाश्त नहीं हो सका। ऐ अल्लाह बस अपने आप को दिखा दे, तेरा दीदार करा दे, बस तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा मूसा देखो, सच्ची बात तो ये है कि दुनिया में तुम्हें जो आंखें दी गई हैं ना, इन आंखों में इतनी क़ुव्वत बसारत नहीं है कि हमारा दीदार मुमकिन हो, नहीं हो सकता ये। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं अल्लाह, बस मेरे दिल में आ गया है, आपको देखना है तो बस देखना है, मुझे दीदार करा दीजिए। और यकीनन मेरे भाई, एक मोमिन जब अल्लाह से मोहब्बत करता है ना, और ये मोहब्बत आला दर्जे को जब पहुंच जाती है, तो दिल में ये जज्बात पैदा होते हैं, अल्लाह तुझे देखना है, अल्लाह तुझे देखना है। कौन सा मुसलमान है यहाँ पर बोलो जिसको रब के दीदार की तमन्ना नहीं है? कोई? हर शख्स अपने रब को देखना चाहता है, देखना चाहता है, हर शख्स देखना चाहता है। अभी हम बता रहे हैं आपको, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह नहीं मुझे देखना है। अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते मूसा, नहीं बस देखना है। अच्छा तो सुनो, अय मूसा मैं फला पहाड़ की तरफ अपनी तजल्ली करूँगा, अपनी एक हल्की सी निगाह करूँगा। अब मेरी उस निगाह तजल्ली के बाद फ़ैनी इस्तकर्रा मकानहू, अगर वो पहाड़ अपनी जगह ठहरा रहा, कायम रहा, फसफा तरानी मूसा, तब तुम मुझे देख सकते हो। हाँ ठीक है अल्लाह, चलिए ठीक है, हो गया। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, अल्लाह तबारक व तआला ने जब पहाड़ की तरफ अपनी निगाह कर डाली, पहाड़ बर्दाश्त न कर सका, भूसा हो गया, चूर चूर हो गया। वखर मूसा सईका, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फलम्मा फाका, जब उन्हें होश आया तो कहते हैं सुभानक तुबतु इलैक, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तू कह रहा था मूसा नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, लेकिन ऐ अल्लाह मैं गुनहगार खताकार, बार बार इसरार कर रहा था नहीं देखना है, देखना है, अल्लाह मैंने अंजाम देख लिया, क्या होगा? यानी इस दुनिया में अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह का दीदार मोमिन बंदों को ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। उस हदीस को सुन लें और बात ख़त्म कर देते हैं। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब जन्नती बंदे जन्नत में चले जाएंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से फैज़याब हो रहे होंगे, मज़े में होंगे, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हमको तेरी जन्नत में दाखिल फरमा दे। ऐ अल्लाह जिस तरह हमें यहाँ मिला रहा है, मिलाया है, ऐसे अल्लाह हम सबको जन्नत में भी मिला देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब जन्नती बंदे जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे होंगे, मज़े में होंगे, इतने में आवाज़ आएगी, अल्लाह कहेगा ऐ मेरे जन्नती बंदो, अच्छे हो, खुश हो, और कुछ ज़रूरत तो नहीं है, और कुछ चाहिए तुम्हें? तो जन्नती बंदे कहेंगे ऐ हमारे रब हमें क्या चाहिए, तूने तो जो वादा हमसे किया था तूने पूरा कर दिया, हमारे चेहरों को रोशन कर दिया, हमें इज्जत बख्शी, हमें नारे जहन्नम से बचा लिया, हमें जन्नत में दाखिल कर दिया, अल्लाह हमें और क्या चाहिए, बस हमें सब कुछ मिल गया। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जन्नती बंदे और रब के दरमियान ये गुफ्तगू जारी रहेगी, इतने में बंदे और रब के दरमियान जो पर्दा होगा उसे सरका दिया जाएगा, अल्लाह अकबर, उसे हटा दिया जाएगा, और जन्नती बंदे पहली बार अपने रब को अपनी आँखों के सामने देखेंगे। और क़ुरान कहता है रब को देखने के बाद जन्नती बंदों को जन्नत की सारी नेमतें बेकार नज़र आएंगी रब के दीदार के बाद। मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता करे, ऐ अल्लाह तेरा दीदार नसीब फरमाए। प्यारे नबी ने फरमाया है इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हादल कमर, 14वीं रात का चांद आसमान पे चमक रहा था, दमक रहा था। प्यारे नबी ने सहाबा से कहा है मेरे सहाबा देखो, जिस तरह तुम इस चांद को देख रहे हो और चांद को देखने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ऐसे ही एक दिन आएगा कि तुम अपने रब को देखोगे, अपने रब को देखोगे। और अगर अपने रब को देखना चाहते हो तो सुनो, फजर और असर की नमाज का ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि फजर और असर की नमाज तुम्हें मगलूब कर दे, इसलिए उसका ख्याल रखो। तो मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम
जो कुछ इबादतें, रियादतें, बंदगी, दुआ, मुनाजात कर रहे हैं, अल्लाह उसे शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नारे जहन्नम से बचा कर जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।